हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल आहिर, आपका स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हुआ है 7:30 बजी हैं सुबह सुबह के, और मैं आज आपके साथ हमारा शेयर करूंगा मॉर्निंग रूटीन, जो हमारा मॉर्निंग में सब काम चलता है किसान का। तो अभी सबसे पहले तो बफेलो का मिल्किंग हो रहा है इधर, तो भैया इस भैंस का मिल्किंग कर रहे हैं। भैया के सिवा ये भैंस किसी को मिल्किंग नहीं करने देती, तो भैया ही मिल्किंग करते हैं इसका। मुझे भी थोड़ा थोड़ा मिल्किंग आता है, लेकिन भैंस में यह तकलीफ होती है कि भैंस थोड़ी हार्ड होती है मिल्किंग में, और गाय थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो जब गाय लेंगे तब मैं सीखूंगा, और गाय लेने का थोड़ा प्लान है वैसे तो, जब अच्छी कोई मिल जाएगी तो गाय लेने का प्लान है। इधर मैंने धुआं तो कर दिया है, धुआं करने से थोड़ी मक्खी मच्छरों में राहत मिलती है भैंसों को। चलिए तो भैंस को खांड देते हैं, और हमारे इधर बोलते हैं पावरा। इसमें है एक खोड़ है, इसमें खोड़ है, कपासिया है और गेहूं का भूसा है, ये सब मिक्स में करके देते हैं सब। पापा अभी जा रहे हैं डेयरी पे दूध देने के लिए। डेयरी पे दूध वैसे तो देना नहीं पसंद है, लेकिन मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि घी का रेट कुछ मिल नहीं रहा है अभी पर, और अगर दूध दे देते हैं तो कुछ खर्चा निकल जाता है भैंस का। मम्मी को पूजा करनी थी, तो मम्मी ने बोला है कि फूल उतार के आओ, तो मैं अभी फूल लेने के लिए आया हूँ बगीचे में। Yeah, baby. Yeah, you are the shit.
टाइम हमारे फार्म पे करीबन 14 या 15 टाइप्स के फूल लगे हुए हैं। मैंने कल ही फोटोग्राफी की थी तो मैंने देखा कि 14 या 15 टाइप्स के फूल अभी इस टाइम पे लगे हैं, और बाद में जब सर्दियाँ आएंगी तब कुछ वैरायटी बढ़ेंगी ऐसे। तो मैंने एक वेल लगाई है जो मैंने गेट पे भी लगाई है, और ये वेल घर पे लगाई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने फ्लावर्स आए हैं। मुझे तो ये लगता था कि इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, लेकिन इसको ज़्यादा पानी मिल रहा है और इसकी बहुत अच्छी केयर हो रही है, तो बहुत अच्छे फ्लावर आए। चलिए देखिए इसमें कितने सारे फूल आए हुए हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे खेत का ऊपर से इधर से। तो अब नाश्ते का टाइम हो गया है। सुबह सुबह हम चाय तो नहीं पीते, मैं और भैया दोनों में से कोई नहीं पीता, और सब सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। चलिए तो आज नाश्ते में है मोनथाड है, सेव है, और साटा हमारे गुजराती में बोलते हैं जिसको, खाजली में से बना हुआ, तो ये है। बाकी तो नॉर्मल तो नाश्ते में होता है किसान के यहाँ तो दूध दही और लहसुन की चटनी, ऐसा ही सब होता है। चलिए तो अब नाश्ता करके फिर आपको मिलते हैं। तो हमने नाश्ता किया, उतनी देर में थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई थी, तो खेत में जाना था तो वो तो अभी नहीं जा सकते, तो अभी थोड़ी देर भैंसों को घुमा के आते हैं और बाद में जाएंगे खेत में। तो फ्रेंड्स मैं अभी ये सोच रहा था कि मैंने कल वीडियोग्राफी नहीं की थी, तो आज ऐसी मॉर्निंग की थोड़ी सी वीडियो बना के ही एडिटिंग करके अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए यही करते हैं, तो वीडियो को एडिट कर देते हैं और बाद में अपलोड करके आपको दिखाते हैं।